पी एंड क्यू आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4y² - 4y+1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/p + 1/q + pq। तो हमें पता है कि एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज पी और क्यू है, तो जीरोज का जो सम होता है पी प्लस क्यू, हमारे पास जो जीरोज हैं तो जीरोज का सम इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो यहाँ पर ये माइनस बी की वैल्यू, बी की वैल्यू मतलब वाई का जो कॉफिशियंट है यानी माइनस फोर, तो माइनस फोर, और ए का मीन्स है वाई स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है फोर, वो होगा ए। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में फोर आ जाएगा और अपॉन में भी फोर है, तो सॉल्व करने पर आ गया वन। तो इस तरीके से हमारे पास पी प्लस क्यू की वैल्यू आ चुकी है वन, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ऐसे ही जीरोज का सम ये हुआ, तो जीरोज का जो प्रोडक्ट है यानी पी डॉट क्यू, जो जीरोज हैं पी और क्यू, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सी अपॉन ए के इक्वल। तो सी का मीन्स क्या है, सी का मीन्स है जो कॉन्स्टेंट टर्म है यानी वन, और ए का मीन्स हमें पता है वाई स्क्वायर का कॉफिशियंट जो कि फोर है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, जीरोज का जो प्रोडक्ट है यानी पी क्यू की वैल्यू होगी 1/4। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो हमें चाहिए 1/p + 1/q + pq, इसका आंसर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात, यदि हम इसको सॉल्व भी करते हैं तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वैल्यू तो हमें सीधे पता है 1/4, इनको सॉल्व करते हैं। तो पी और क्यू का एलसीएम पी क्यू हो जाएगा, इस वाले डिनोमिनेटर पी से डिवाइड करेंगे तो क्यू बचेगा, क्यू को वन से मल्टीप्लाई करने पर क्यू आ जाएगा, और ऐसा ही इधर कर लेंगे, क्यू से क्यू डिवाइड हो गया, पी बचा, पी को वन से मल्टीप्लाई कर लिया तो पी आ गया, और प्लस में जो पी क्यू है उसको एज इट इज ही रख लिया। अब ऐसा करने से क्या होगा, पी प्लस क्यू या क्यू प्लस पी, बात एक ही है, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है वन, तो वैल्यू पुट कर दिया हमने वन। फिर पी क्यू है यहाँ पर, तो पी क्यू की वैल्यू 1/4 है, तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 1/4, 1/4 प्लस इधर पी क्यू की वैल्यू 1/4, ये नीचे वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल में आ जाएगी तो 4 आ जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 4/1, और प्लस में हमारे पास है 1/4। इसको सॉल्व करना हमें आता ही है, एलसीएम लेके आसानी से सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4, 1 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4, 4 = 16, प्लस 4 से 4 को डिवाइड करने पर 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1, तो करेक्ट आंसर आ गया 17/4। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि अपना जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 17/4 इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।